बयान दे दिया जय शाह ने, कह रहे हैं भाई ये तो जो फुल मेंबर्स थे, जो मीडिया राइट्स होल्डर्स थे, उनके तहफ़ुज़ात थे कि भाई पाकिस्तान में हम नहीं खेल सकते। इस बयान पे क्या कमेंट करेंगे आप? यार ये तो मैंने कल भी कहा, फिर कहूंगा कि भाई ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाइली है, हमारा फेलियर है कि हम, यानी कि अगर आप सोचें कि यार एक एक आप ये देखें कि पिछले लास्ट ईयर से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेल के गई, व्हाइट बॉल सीरीज खेल के गई, उसके बाद इंग्लैंड ने आके 7 T20 मैचेस खेले, फिर वो आके टेस्ट मैच खेल के गए, न्यूजीलैंड आके 2 टेस्ट मैच, फिर व्हाइट वनडे सीरीज खेल के गई, फिर वापस आई वो मतलब व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए। उससे पहले श्रीलंका बांग्लादेश दो टीमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेल के गई हैं, और उस पर अगर एशिया की टीमें ये कह रही हैं कि जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न है पाकिस्तान में, तो फिर तो यार मैं कोई और क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, फिर तो यानी कि शीशे में देखना चाहिए पीसीबी वालों को अपने आप को कि यार क्या कर रहे हो तुम, यानी कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद फाइट नहीं कर सकते अपनी मतलब अपनी राइट्स के लिए। और इकोनॉमिक कंडीशन का क्या ताल्लुक है भाई, इकोनॉमिक कंडीशन क्या श्रीलंका में अच्छी थी लास्ट ईयर? डिफॉल्ट हुए अभी, लेकिन पाकिस्तान की टीम गई वहां खेलने के लिए, अंडर 19 की टीम गई वहां खेलने के लिए, हमने सपोर्ट किया श्रीलंका को, तो इकोनॉमिक कंडीशन का तो कोई लेना देना है नहीं भाई, कोई यहाँ ना तो भूखा मर रहा है अल्लाह ना करे, ना ऐसी कोई किसी चीज की शॉर्टेज है, सब कुछ ठीक है। तो मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि हमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये कंट्रीज कहेंगे कि हम सिक्योरिटी और कंसर्न की वजह से नहीं आ रहे। इंडिया को तो भाना चाहिए था, उनको मिल गया भाना।